अमन जी वो भी लाल कोठी प्रमाण है, प्रमाण देने के लिए वो व्याकुल है। जब जब लाल कोठी से गुजरेंगे तब तब वो चीख चीख करके चिल्लाएगी कि कार सेवकों को अंदर बंद कर दिया गया, संतों को अंदर बंद करके जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ वैसे उनके साथ वो व्यवहार किया गया। और तो और अभी कल एक चैनल पे चल रहा था, मैंने देखा वह राम भक्त अभी जीवित है, उसने अपने आंखों की वह आप बीती सुनाई। उसने कहा कि प्लास्टिक की बोरियों में बालू भर करके हमें भी डुबोने का प्रयास किया गया, मैंने अपने आंखों से देखा है। यह सरयू महारानी रक्त रंजित हो गई थी। अमन भाई इसलिए कहते हैं कि जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मैं आप सभी के पास आ रहा हूँ। मतलब क्या ये हो सकता था? आपने कभी सोचा अपने जीवन काल में आप ये क्षण देख पाएंगे? कौन कहना चाहता है बताइए जी। आप बताइए, आप खड़े हो जाइए जी जी। हाँ बताइए, सोचा था ये हो पाएगा, मंदिर देख पाएंगे? कभी नहीं सोचा था। और मैं याद करता हूँ अपने जीवन को, मेरा वो 1992 का वो समय 22 अक्टूबर का, मुझ पर इतनी लाठियां पड़ी थी। मैं झांसी से आया हूँ, जयदेव पुरोहित मेरा नाम है। इतनी लाठी पड़ी थी कि मैं खुद नहीं गिन पा रहा था बाद में वो चोटें कितनी पड़ी हैं। कम से कम 60 लाठी पड़ी थी। और फिर मुझे जेल में बंद किया गया था, मैं महीनों जेल में रहा था, सड़ गया था पूरा शरीर। लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि इस जीवन में मैं राम मंदिर को बनते हुए देख लूंगा। नहीं सोचा था। कितने जन्मों के पुण्य रहे होंगे, इस जन्म की वो उतनी यातना से नहीं बन सकता था मंदिर, कई जन्मों के मेरे पुण्य रहे होंगे। आज मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ कि मैंने उस कालखंड में जन्म लिया कि जब मैं अपनी आंखों से अब देख रहा हूँ कि राम मंदिर बन गया है, भगवान रामलला विराजमान, रामलला विराजमान। और रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीर पहली बार, संभवतः पहली बार रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। ये बड़ी खबर है, पहली तस्वीर रामलला की, पहली झलक रामलला की, पहली तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर ऑन एयर है। ये रामलला की पहली तस्वीर इस वक्त जो है वो न्यूज 18 इंडिया पर ऑन एयर है। आज आपको बताते हैं रामलला जो है वो गर्भगृह में विराजमान होंगे, आज उनका गृह प्रवेश। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं रामलला की, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर पहली जो अरुण योगीराज, मूर्तिकार अरुण योगीराज की तरफ से बनाई गई है। ये पहली बार न्यूज 18 इंडिया पर आप वो तस्वीर देख रहे हैं। अब तक झलक नहीं आई थी, इंतजार लाखों करोड़ों राम भक्त कर रहे थे, पूरी दुनिया को इंतजार था। और अब जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई, जो बार बार जिसका जिक्र चंपत राय ने किया कि तीन मूर्तियां थी, जो बाल स्वरूप 5 वर्षीय प्रभुराम की तस्वीर को उकेरा गया पत्थर पर। तीन तस्वीरें थी, तीन में से एक को चुना गया था। जिस तस्वीर को चुना गया वो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर लाइव है। अरुण योगीराज दर्शन हो रहे हैं प्रभु रामलला के तस्वीर में इस वक्त। अगर ऐसा अवसर है तो मुझे चार पंक्तियां याद आती है, मैं निवेदन करता हूँ। जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते हैं मैं उनको कुछ कहना चाहता हूँ। अरुण योगीराज श्यामल रंग, जो रंग की 5 वर्षीय बाल स्वरूप तस्वीर प्रभु राम की जो पत्थर पर उकेरी गई, तीन मूर्तियां थी, तीन में से एक का चयन किया गया अरुण योगीराज द्वारा, ये जो मूर्ति रामलला की तैयार की गई है। जी, मैं जो राम के अस्तित्व पर टिप्पणी करते हैं मैं उन पर कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी जी, कि राम कहाँ कहाँ है, पंचभूतों का यह शरीर, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, इसमें राम का दर्शन करिए। कि पृथ्वी में पवित्र गंध रूप में है राम जी, पृथ्वी में अवस्थित है गंध रूप राम जी, जल में है विद्यमान रस रूप राम जी, अग्नि में प्रचंड तेज रूप में है राम जी, वायु के प्रबल वेग रूप में है राम जी, शब्दादि तन मात्रा अनंत व्योम राम जी, वेद का प्रणव बीज मंत्र ओम राम जी, आदि में भी राम जी, अनादि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी।
प्रभव में राम जी है, प्रलय में राम जी, हर देश काल और समय में राम जी, अंत में भी राम जी, अनंत में भी राम जी, संत में भी राम जी, असंत में भी राम जी, इस में भी राम जी तो उस में भी राम जी, तुझ में भी राम जी तो मुझ में भी राम जी। और जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया उनके लिए एक पंक्ति कहता हूँ। किनके लिए नाम लेकर भाई देखिए ना, किनके लिए जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया, किनके लिए? सोनिया जी के लिए, खड़गे जी के लिए, किसके लिए ठुकराया? जिन्होंने भी ठुकराया ये उनका दुर्भाग्य है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस में भी राम जी तो उस में भी राम जी, तुझ में भी राम जी तो मुझ में भी राम जी, तुझ में भी राम जी तो मुझ में भी राम जी। तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ। नहीं, वो उनकी तरफ से कहा जा रहा था भाई, आप सबसे भी ये कि ये राजनीतिक इवेंट है क्या? ये आरएसएस बीजेपी का इवेंट है, बताइए बताइए। जी नहीं, ये राजनीति इवेंट नहीं है, ये तो राम जी का इवेंट है। राम मंदिर के लिए सभी लोग आए हैं और सबने इतनी, सबके पूर्वजों ने। चलिए बताइए, कभी सोचा था ये अपने जीवन काल में क्षण देख पाएंगे? और ये किस तरह की अनुभूति आपके लिए? ये ऐसी अनुभूति है कि ये आज जो हो रही है, जो कभी शायद जिंदगी में देखने को मिली न मिलेगी, जो बहुत बढ़िया अनुभूति है। और एक बार तो हमारे जब हम लोग छोटे थे 90-92 में, हमारे घर में सबके वारंट काट दिए गए थे। ये 156-7 जो होता है वो लगा के कोई घर से कूद के भाग रहा है, पुलिस वाले दौड़ लगा रहे हैं, एक भाई पे बम लगा के भेज दिया जेल, इस तरीके के कारनामे हुए। और कोई भाई और कोई और खान बताइए। जय सिया राम, मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ और खाटू श्याम जी का रहने वाला हूँ। जब बचपन में 1992 में बाबरी मस्जिद जब ढाई गई थी, तब आपको अच्छे से विदित होगा कि एक नारा लगा था, हर गांव से शिला लाएंगे हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आज ये मौका अपन वो भावी पीढ़ी है, आपसे भी कहना चाहता हूँ सर, वो भावी पीढ़ी है कि आपने भी मंदिर बनते हुए देखा, हमारी दसियों पीढ़ियां निकल गई मंदिर कब बनेगा मंदिर कब बनेगा, लेकिन आज मंदिर बनते हुए देखा है, अपनी भावी पीढ़ी को ये सौभाग्य है अपना कि अपन राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बताइए प्रभु। बैठे रहिए बताइए। ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। और जो लोगों ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे जो ये इंडिया नहीं, ये इंटरनेशनल जो षड्यंत्र बना है देश के अंदर सनातन विरोधियों का, इनकी जो दुर्गति होने वाली है वो ये देश देखेगा और ये भी अपनी आंखों से देखेंगे। 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अब लोग कह रहे हैं मोदी का ये फंक्शन है, लोगों ने कहा है ना किसी विपक्ष के नेता ने, ये मोदी का फंक्शन नहीं, ये राम लला का फंक्शन है और ये पूरे राष्ट्र का फंक्शन होने जा रहा है। पूरा राष्ट्र बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा है। ये राष्ट्र का उत्सव है जगत गुरु जी। बार बार ये आरोप लगाया जाता है भाई पॉलिटिकल इवेंट बना दिया इसको, आरएसएस बीजेपी का इवेंट है और जो लोग नहीं आ रहे हैं वो इसके पीछे यही वजह दे रहे हैं कि तो राजनीतिक इवेंट है। जगत गुरु जी देखिए,